for home, prisons and fire services for the inauguration of foundation stone laying. I request honorable हैदराबाद में पहले भरोसा सेंटर शुरू किया था। हमारे लिए ये खुशी का मौका है कि भरोसा सेंटर, जिसकी पांचवी सालगिरह हम इस मई में सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी का एक दूसरा सेंटर आज हम साउथ जोन में शुरू कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष विक्टिम, जैसे स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस की जो विक्टिम्स आते हैं, उनका जहां तक पॉसिबल हो फैमिली साथ में बनी रहे, और हम इस बात में हमें फक्र महसूस होता है कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमारे पास जो आए, उनमें फैमिलीज में सुलह हुई और वो आज भी आपस में मिलजुल कर खुशी से रह रहे हैं। हम इसे एक अपना अचीवमेंट मानते हैं। साथ ही में भरोसा सेंटर जो रेप और सीरियस क्राइम के विक्टिम्स को सपोर्ट करता है, हैंड होल्डिंग करता है, उसमें हम लोगों ने उनकी पूरी मदद करी है। टुडे मार्क्स द हिस्टोरिकल डे इन एनल्स ऑफ हैदराबाद सिटी पुलिस एज वी आर ऑल। आई रिक्वेस्ट आर कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी श्री अंजनी कुमार सर टू प्लीज वेलकम आवर चीफ गेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कमिश्नर ऑफ पुलिस सर, also to please welcome honorable member of parliament Shri Asaduddin Owaisi sir with a flag. I request CP sir to please putna kasam kada thank you for accepting our small token of respect sir. Now I request additional CP crime science Srimati Shikha Goyal IPS ma'am. To MLAs, to MLA Pasha Kadri sir and MLA Ahmed bin Falala sir also. Thank you for accepting sir. Today's historical event. President Police Award Police Medal win awardee Srimati Shikha Goyal ma'am to please present a welcome address. इसके ओरिजिनल कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं, तो खास करके उनकी मोहब्बत इस एरिया से और ज्यादा है। अभी प्रेजेंट कॉर्पोरेटर सोहेल साहब और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर YB श्रीनिवास साहब जो मिलकर ये पूरा प्रोजेक्ट बनाए, और हमारे डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स शिखा गोयल, स्वाति लकड़ा, अनिल कुमार चौहान, तरुण जोशी, DCP भोपाल, यहाँ पे हाजिर हमारे सभी DCP, ज्वाइंट CP और ऑफिसर्स, सभी को मैं कहता हूं कि हैदराबाद शहर आज अगर हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में अच्छा नाम अगर कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा टीम वर्क का ही का रिजल्ट है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आज पहले से ज़्यादा इसकी अहमियत है। पहले वर्किंग विमेन का परसेंटेज बहुत कम हुआ करता था, और लेकिन आज हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में हर जगह वर्किंग वुमेन का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट के तरफ से, पार्लियामेंट के तरफ से बहुत नए नए कानून आए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब उसको अमल कैसे किया जाए, उसको पब्लिक में उसकी समझ और उसके बारे में अवेयरनेस कैसे हो, इसके लिए बहुत बहुत हम लोगों को काम करना है।
हैदराबाद शहर आज की तारीख में हर फील्ड में हम लोग अच्छा नाम कर रहे हैं और इसी कारण से यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, इसी कारण से यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं और इन सबको सबका फायदा हमारे अगले जनरेशन को होगा। कांटों से भी आई खुशबू, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस न्यू भरोसा सेंटर इज अ सेंटर विच इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग हीलिंग टच एंड हैंड होल्डिंग to the women and children and also to the affected family members in their journey for justice. Pak aur Telangana police ne Hyderabad mein pehle Bharosa center shuru kiya tha. Hamare liye ye khushi ka mauka hai ki Bharosa center jiski 5vi salgirah hum is mai mein celebrate kar rahe hain usi ka ek dusra center aaj hum south zone mein shuru kar rahe hain. Pichle 5 varshon mein भरोसा सेंटर ने हजारों विक्टिम्स को सहायता दी और हम इस फिलॉसफी पे काम करें कि जितने हमारे पास विक्टिम्स, जैसे स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स आते हैं उनका जहां तक पॉसिबल हो फैमिली साथ में बनी रहे। और हम इस बात में हमें फख्र महसूस होता है कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमारे पास जो आए उनमें फैमिलीज में सुलह हुई और वो आज भी आपस में मिलजुल कर खुशी से रह रहे हैं। हम इसे एक अपना अचीवमेंट मानते हैं। साथ ही में भरोसा सेंटर, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे साथ हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद महबूब अली साहब हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए और आज ये हैदराबाद शहर के दूसरे भरोसा सेंटर के फाउंडेशन स्टोन के लिए हम लोगों के साथ हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जिनकी मौजूदगी हमारे डिटर्मिनेशन को और भी मजबूत करती है कि हैदराबाद शहर जो मर्सर इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों से हिंदुस्तान के टॉप 3 सेफेस्ट सिटी में हमेशा रहा है और खास करके क्राइम अगेंस्ट विमेन को जिस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी में इजाफा हो रहा है तो हमारे एमपी साहब की मौजूदगी से उसको उसमें और ताकत मिल रही है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे चेयरमैन साहब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है, वो पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग का मसला हो, पुरानी बिल्डिंग के रिपेयर का इशू हो या इस तरीके का जो स्पेशलाइज्ड सेंटर बन रहा है विमेन काउंसलिंग सेंटर भरोसा सेंटर, उसमें हमेशा उनका बहुत स्पेशल अफेक्शन रहा है, मैं दामोदर साहब को बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे एमएलसी साहब गोल्डी साहब जो हर किसी मौका पे सलाह मशवरा के लिए चर्चा के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं और जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती है जिस पर ओपिनियन लेना चाहता है कुछ मशवरा करना चाहता हूं हमेशा वो मौजूद रहते हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे एमएलए साहब अहमद पाशा कादरी साहब जो कि इसके पहले चारमीनार कंस्टिट्यूएंसी में जब थे और अभी हमेशा हर समय पुलिस डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए पब्लिक में उनकी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा मशवरा देते रहते हैं। बलाला साहब जो कि अभी पिछले 1 सालों में खास करके कोरोना के समय जो मिलजुल कर हम लोगों ने पब्लिक का सर्विस किया और सफाई के काम में खास करके 2-3 जगह जहां बहुत ज़रूरत थी उनकी मदद से हम लोगों ने मिलकर हेल्थ और हाइजीन पर बहुत ध्यान दिया जिससे कि हैदराबाद शहर को बहुत मदद हुआ, मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कि अगर आप कोर्ट कचहरी जाएंगे
तो आपका मसला बरसों चलता रहेगा। मैं भी देखता हूँ बहुत से, मुझे भी दुख होता है कि लोग कोर्ट में चले जाते हैं, उसके बाद 10-15 साल तक वो अपनी बच्ची को घर में रख के परेशान रहते हैं। अगर ये फैमिली मैटर जो है यहीं तय हो जाए तो इसके लिए हमारे आनेबल सीएम साहब ने खास तौर से श्री टीम्स और भरोसा सेंटर बनवाए हैं, और ये लोग बहुत मेहनत से काम करते हुए लोगों की फैमिली को जोड़ा जा रहा है। किसी की ज़िंदगी जोड़ना बहुत बड़ा काम होता है, तोड़ना तो मामूली बात है। शादी होने के बाद बहुत से मसाइल आते हैं, ख़ास तौर से महिला के मसाइल महिला से ज़्यादा आते हैं और महिला ही हल कर सकते हैं उसके लिए। तो हमारे पास की श्री टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये जो भरोसा सेंटर का यहाँ फाउंडेशन रखा गया ये अच्छा है, ओल्ड सिटी के लिए गुड साइन है। यहाँ के लोगों पुराने शहर में क्योंकि गुंजान आबादी है, यहाँ बहुत से मसाइल रहते हैं फैमिली मैटर्स के, तो वहाँ ये आएंगे तो यहाँ बिठा कर उन लोगों को मसला हल किया जा सकता है। और हमारे आनेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी। सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना एक ही पुलिस है, जहाँ पर आप 100 डायल करेंगे तो विदिन 5 मिनट्स के अंदर पुलिस आप तक पहुँच जाएंगे और आपको हर तरीके से मदद करेगी। पुलिस यही नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हो तो मदद करेगी, जब भी आपको बुरा वक्त आता है तो फ्रेंडली पुलिस की तरह पहुँचने वाली कोई होती है तो हमारी पुलिस है। और कोरोना के अंदर भी बहुत ज़्यादा खिदमत करने वाली कोई टीम रही तो पुलिस डिपार्टमेंट रहा। और आज अभी हमारे MP साहब भी गए, मैं भी चूँकि मीडिया से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत लोगों में घुलते मिलते हैं। और हमारे ख़ास तौर से पुराने शहर के लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं देख रहा हूँ फंक्शनों में जाते 1,000-2,000 आदमी की दावत कर रहे हैं, बड़ा अफसोस भी होता है मुझे। एक तो पैसा भी वेस्ट किया जाता है, और कई ऐसे वाकयात हुए, आज भी पुराने शहर के अंदर काफ़ी डेथ हुई है, किसी को मालूम नहीं। आप मीडिया भाइयों से मेरी गुजारिश है, लोगों को एहतियात करने के बारे में बताइए। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, बगैर मास्क के पूरा फिर रहे हैं और दावतें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, और दूल्हे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम 3 फीट का डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, और हर आदमी मास्क को यूज़ करना ज़रूरी है, और जहाँ तक हो सके हाथों को साबुन से धोइए या सैनिटाइज से धोइए, पर एहतियात कीजिए बेहतर है, क्योंकि ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभी CP साहब ने कहा कि 2-3 दिन में ग्राफ बढ़ा है, महाराष्ट्र में तो हज़ारों की तादाद में आ चुके हैं और हमारे पास भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। मैं आप लोगों के ज़रिए तमाम आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, और बड़ी दावतों से एहतियात कीजिए। दावतें जितनी गैदरिंग ज़्यादा होगी ये कोरोना फैलने का उतना ज़्यादा डाउट रहेगा। मदरसों में भी हम देख रहे हैं, बिजनेस स्कूल में भी बच्चों का टेस्ट किया गया तो वहाँ पर बच्चों को कोरोना पाया गया, और आजकल में वो भी पॉलिसी ली जाएगी कि मदरसे बंद करें या किस तरह फिर आगे की हिकमत अमली अख्तियार की। लोगों के दिल में एक डर है कि रमज़ान में भी कहीं कर्फ्यू लगाया जाए। देखिए, कर्फ्यू लगाना हमारा मकसद ही नहीं है ना, पुलिस का मकसद है। ये जो कोरोना कर्फ्यू का बात है ये तो कभी भी हम नहीं चाहते कि कर्फ्यू लगने से तो लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत ख़राब हो जाती है। एहतियात करना भी ज़रूरी है ना। पुलिस वाले हमसे कहते हैं कि चालान करें, ये आपके सेहत के लिए है। आप जाइए दुबई में 3,000 रियाल चालान है, हम पास 100 रुपये चालान करें तो लोग नाराज़ होते हैं कि हम मास्क नहीं लगाए तो 100 रुपये चालान करें। तो आपकी हिफाजत के लिए पुलिस का कोई मकसद कुछ नहीं है कि पुलिस तो अपनी जानों की कुर्बान करने वाली कोई है तो हमारी पुलिस है। कोरोना के अंदर ऐसे ऐसे पेशेंट जिसे कोई देखने वाला नहीं था, रोडों पर पड़े रहते, कोरोना में मुब्तला हो चुके थे, उठा के ले आने को है तो हमारे पुलिस अहदेदार है, पुलिस ऑफिसर उन्हें अपने घरों से ले जाकर दवाखाने में शरीक किए। तो मेरी तमाम मीडिया भाइयों के जरिए किसमें बंद कर, शायद 1-2 रोज़ में डिसीजन ले लेंगे। जो स्कूल खोले वो भी 9th-10th खोले हैं, नीचे प्राइमरी स्कूल तो नहीं खोले, अगर वो भी अभी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है आज वो फैसला कर लेंगे कि स्कूल कंटिन्यू करेंगे क्या, डिस्टेंस मेंटेन करने की तो कोशिश कर रहे हैं, पर मेंटेन करने के बाद कंट्रोल हो रहा नहीं हो रहा, पहले हमारे लिए जान है, बाद में एजुकेशन है, बाकी जो भी चीज़ें या एम्प्लॉयमेंट है, तो उसके लिए जो भी ज़रूरी इकदाम होंगे हुकूमत लेगी, पर आप एहतियात करेंगे तो फिर कर्फ्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र में कर्फ्यू आ चुका है शाम का, कर्फ्यू आने के बाद कारोबार पूरे मुतासर हो जाते हैं, लोगों के जरिए आमदनी ख़त्म हो जाती है, लोगों को जीना बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया में इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ अपना पेट है, पेट नहीं बढ़ता तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हुकूमत नहीं चाहती कि कहीं पर भी हम कर्फ्यू लगाएं, मगर अगर आके ज़रूरत पड़ेगी तो सोचा जाएगा, मगर आप अपने से एहतियात करेंगे तो हम शायद कंट्रोल में आ जाएंगे। जो प्रिकॉशन यूज नहीं करेगा उसको डेफिनेट कुछ ना कुछ लाएंगे, अभी इसके बाद क्या करेंगे, अब चालान करना ही पड़ेगा ना लोगों को। महाराष्ट्र में अगर मास्क नहीं लगाए तो 100 रुपीज चालान है, पुणे में अगर मास्क नहीं लगाए तो 200 रुपीज चालान है, अगर एक सेम आदमी 2 बार पकड़े गया तो फिर 500 चालान है, फिर जेल है। तो यह भी कुछ ऐसा आप अभी तो नहीं करें, मगर इसके ऊपर गौर किया जाएगा, अगर मौका ज़रूरत पड़ेगी तो लागू किया जाएगा, क्योंकि मास्क आपके लिए बेहतर है। अगर आप लोग मास्क लगाएंगे तो थोड़ा बच सकते हैं, क्योंकि जान से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये पुलिस कभी भी एक बात याद रखिए, चालान आवाम को जो है सुधारने के लिए किया जाता है, डर को पैदा करने के लिए, रेवेन्यू बनाने के लिए नहीं रहता, रेवेन्यू के दूसरे रिसोर्सेज रहते हैं। हम कोशिश ये करेंगे, हम कल से ऐलान भी करेंगे,
देख रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ, दावतों में जाता हूँ तो लोग बस गले मिलना छोड़ते नहीं, तो एहतियात ज़रा भी नहीं कर रहे, 0% एहतियात। तो मैं गुजारिश करता हूँ जो 100 आदमी की जो गैदरिंग, मगर आइंदा से ज़रूर ला देंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त तो 500 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और ज़रूरत पड़ना उसको भी घटा के 100 तक लाएंगे। अगर ये कंट्रोल में आ गया तो बेहतर है, मगर आप 500 से ज़्यादा तो मत करिए। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश।